27 फरवरी ये राज्य भर में मराठी भाषा दिन के रूप में मनाया जाता है और इस मराठी भाषा दिन के औचित्य को ध्यान में रखकर चांदा पब्लिक स्कूल में आयोजित अभंग स्पर्धा में विद्यार्थियों ने किस प्रकार सभी का दिल जीता, आइए जानते हैं इस खबर में। प्रसिद्ध कवि विष्णु वामन शिरवाड़कर यानी कुसुमाग्रज, इनके जयंती मौके पर मंगलवार को मराठी भाषा गौरव दिन मनाया जाता है और इसी कड़ी में चांदा पब्लिक स्कूल में अभंग वाणी स्पर्धा का आयोजन किया गया था। स्कूल के प्रांगण में पालकी के साथ अतिथियों का आगमन होते ही टाढ़, मृदुंग और अभंग से वातावरण भक्तिमय हो उठा था। इस समय प्रमुख अतिथि योगिनी देगम्बार, ऐश्वर्या भालेराव, स्कूल की संचालिका स्मिता जीतोड़े, मुख्याध्यापिका आम्रपाली पडोड़े ने ज्ञानेश्वरी पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यार्थियों ने संतों की वेशभूषा परिधान कर उनका संदेश देने वाले अभंग पेश किए। ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, समर्थ रामदास, गाड़गे महाराज, गोरा कुंभार, संत मुक्ताबाई, संत मीराबाई, संत जनाबाई ने समाज प्रबोधन के कार्य किए जो कि विद्यार्थियों ने अपने वचनों से गाकर दिखाया। बच्चों के अभंग पठन से और उनकी वेशभूषा से मान्यवर मोहित हुए और वातावरण भक्तिमय नजर आ रहा था। संचालन शिक्षिका मनीषा नागोशे, विद्यार्थी वीर बल्के और पवित्रा उगे मुगे ने किया। आयोजन के लिए शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने सह कार्य किया। पसायदान से कार्यक्रम का समापन किया गया। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।